कयामत की निशानियाँ। गुजरात में दर्सगाहें जिंसी हवस पूरी करने की अमाजगाहें बनने लगी। टांडा के गांव शक्करकोट में इंसानियत सोच वाकया, टीचर मैट्रिक की तालबा को जिंसी जाति का निशाना बनाता रहा। शर्मनाक फेल करने वाला कौम का मामार कौन निकला, देखिए आवाज न्यूज पर आकाश न्याजी की इस रिपोर्ट में। इंसान उस वक्त क्या करे जब दर्सगाहें ही जिंसी हवस पूरी करने का ठिकाना बन जाए। ऐसा ही अफसोसनाक वाकया गुजरात के इलाका टांडा के गांव शक्करकोट में पेश आया है, जहां पर मैट्रिक की एक तालबा को जिंसी हवस का निशाना बनाया गया उसके उस्ताद की तरफ से। और ये जब इंकशाफ सामने आया तो फौरी तौर पर पुलिस अफसरान ने इसका सख्त नोटिस लिया और SHO थाना टांडा को अहकाम जारी हुए कि फौरी तौर पर मुलजम की गिरफ्तारी जो है इसको अमल में लाया जाए। थाना टांडा पुलिस ने मुतासरा लड़की 15 साल जो है उसके जो वालिद हैं ज़ियाउल्लाह सकना शक्करकोट की मदयत में उसी गांव का जो टीचर है मुनीर खोखर वर्ग अल्लाह दिता सकना शक्करकोट के खिलाफ जो है मजूरम 376 पे मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि 15 साल आमना जो है वो मुनीर के पास ट्यूशन पढ़ती थी और काफ़ी अरसा उसके पास ट्यूशन पढ़ रही थी, मगर अचानक आमना की तरफ से आमना ने इनकार किया कि मैं मजीद जो है ट्यूशन पढ़ने नहीं जाऊंगी। जब उसके घर वालों ने असरार किया कि असल वाकया क्या है तो उसने रोते हुए पूरी कहानी बयान कर दी कि मेरा टीचर जो है मुनीर खोखर हर रोज़ मेरे साथ दस्तराजी करता है और 3 माह कबल उसने मुझे अपनी जिंसी हवस का निशाना भी बनाया है, जिसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। SHO थाना टांडा ने मां नफरी मुल्जम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं। DPO गुजरात उमर सलामत ने भी इस वाकया का सख्त नोटिस दिया है और फौरी तौर पर ऐसे सफाक मुल्जम की गिरफ्तारी के लिए फौरी अमल में लाने के अहकाम जारी किए हैं। आवाज न्यूज से मैं हूँ आकाश न्यास। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।